चल 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 चल। सड़क है, नाला है, बाग है, पेड़ है लंबे लंबे। बबली कौन है? बबली मेरे मम्मी का नाम है। बबली जी। हाँ, और वो दुष्ट आत्मा उसको भी तंग करते हैं जी। वो भी सेम आपकी तरह है, सेम। और वो दुष्ट आत्मा आपको चैन से नहीं रहने देता है जी। और एक फैमिली को मैंने देखा है, सड़क के साथ में एक नाला सा है, खड जैसी नाला हुई सड़क, उसके साथ में बाग है बड़ा और बड़े बड़े पेड़ लगे हैं उसमें, और वो फैमिली वहां से गुजरती है और उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा लगी है तब से, और वो प्रॉब्लम में है फैमिली है। इनकी फैमिली इनका बहुत ज्यादा विरोध करती थी, इनको चर्च जाने से रोकती थी। मेरी लाइफ में जो जो गंदे इंसान थे पास में थी, वो सारे मेरे से दूर हो गए हैं। मेरी पूरी लाइफ मुझे चेंज होती हुई नजर आ रही है पास में। तुझे परमेश्वर का सामर्थ्य छू रहा है आज। कहां से आए हो आप? पठानकोट से। मैं पटियालाहड़ी से आई हूं, गांव से। हैं? गांव से आई हूं, पटियालाहड़ी गुसाईपुर के पास गांव है। और जिस रास्ते से जाते हो वो कैसा है? खराब है सर, खानपुर रोड से। सड़क है, नाला है, बाग है, पेड़ है लंबे लंबे। और एक दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ में उसी रास्ते से एंटर किए हैं जो आपको तंग करते हैं। हाँ जाना जी। और वो दुष्ट आत्मा आपको चैन से नहीं रहने देता है, वो तंग करता है आपको, आपको हर जगह पे डिस्टर्ब करता है। आप चाहे घर से बाहर हो, चाहे अंदर हो, चाहे आप अपने बेड पे हो, वो तब भी आपको तंग करता है दुष्ट आत्मा। बबली कौन है? बबली मेरे मम्मी का नाम है। ओ प्रभु का आत्मा मुझे मम्मी मम्मी दिखा रहा, लिखा हुआ मम्मी मम्मी मम्मी। मैंने कहा प्रभु मम्मी तो सबकी है, उसने कहा फिर बबली। क्या नाम मम्मी का? बबली देवी। बबली जी। हाँ, और वो दुष्ट आत्मा उसको भी तंग करते हैं जी। वो भी सेम आपकी तरह है, सेम। कौन आया आपके साथ? कोई नहीं आया, मैं अपने स्टाफ की लड़की उसके पापा के साथ आते हूँ। मेरे घर से कोई नहीं आया मेरे साथ। शिफा अपने हाथों को उठाओ, उठाओ उठाओ उठाओ। रोगी रोगो आज आपका दिन है, आज आपका दिन है। उठाओ अपने हाथों को, उठाओ मेरी तरफ देखो। यीशु मसीह के नाम से देखो। और वो तुझे छोड़ के जा रहा है आज। चल चल चल, छोड़ी से देखो, छोड़ छोड़। ये यीशु मसीह की बेटी है और तेरा कोई अधिकार नहीं इसके लाइफ में। चल छोड़, इसके पेट को भी छोड़। चल छोड़, छोड़ इसे। चल 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 चल, छोड़। आउट हो जा, आउट आउट हो जा। चल 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 चल। यीशु मसीह का मसा छाया है, रूहे खुदा बंदे आया। और पासी ये बैंड बता रहे हैं, जैसे यहाँ से ये प्रोफेसी लेकर ले हैंड लेकर गए, और पासी इनकी फैमिली इनका बहुत ज्यादा विरोध करती थी, इनको चर्च आने से रोकती थी। और लास्ट संडे जब इनकी प्रोफेसी हुई, प्रोफेसी के बाद
पासी क्या हुआ था? जय मसीह की पास्टर जी। पास्टर जी मैं दो बार आई हूँ चर्च में, और पहली बार तो आपने मेरी प्रोफेसी की थी, मैं यहाँ पे गिर गई थी, मुझे शैतान ने पकड़ा था, मैं तब भी हील हुई हूँ। और सेकंड संडे में आई हूँ, आपने मेरा रास्ता सारा बताया, मेरी मम्मा का नाम बताया प्रोफेसर जी, और घर पे गई हूँ मैं। पहले मेरे घर वाले पसंद नहीं करते थे कि चर्च नहीं जाना, जहाँ हमारे ज़्यादा देवी देवताओं को मानते थे। और पास्टर जी 5 दिन से वो लगातार मेरे साथ प्रोफेसर की वीडियोस देख रहे हैं, रात में पूरी पूरी रात हम नहीं सो रहे हैं। और पास्टर जी आज मेरा भाई मेरे साथ आया हुआ है चर्च में, और प्रभु की बहुत महिमा हुई है पास्टर जी मेरे पे। जोर से तारीफ करें, जोर से। उनकी जिंदा खुदा है वो मेरा। तारीफ करो इस टेस्टिमनी के लिए, और आपके परिवार भी आजाद होने वाले हैं, मैं बता रहा हूं। क्योंकि जिंदा खुदा है। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है पास्टर जी। जो मेरी लाइफ में जो गंदे इंसान थे पास्टर जी, वो सारे मेरे से दूर हो गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ पास्टर जी इस चर्च में आके, मेरी पूरी लाइफ मुझे चेंज होती हुई नजर आ रही है पास्टर जी। अच्छा सुनो, अभी आपने क्या कहा, कौन सा इंसान दूर हो गए? जो इंसान मेरे जीवन में गंदे इंसान। हाँ सुनो, ये वर्डिंग सही है। जब अभिषेक आपके ऊपर आता है तो लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं जो सही नहीं होते। डरो मत, जाने दो, इसीलिए पतझड़ आती है ताकि पीले पत्ते झड़ जाएं और उनकी जगह नए आए, इसलिए पतझड़ आती है। अगर आप सोचते हो कच्चे पीले पक्के पत्ते भी आपके साथ लगे रहे तो वो प्रॉब्लम होगी, नए नहीं आ सकते। जब लोग आपको छोड़ के जाएं तो जाने दो। कितने जन समझ रहे हैं उसको? तब जाने दो, चिंता ना करो, क्योंकि वो पीले पत्ते हैं जो परमेश्वर झाड़ रहा है, उनको लगाने की कोशिश ना करो, चिंता ना करो, ये चर्च दोबारा भरेगा, चिंता ना करो। और आप खुद देखोगे कि कहां कहां से लोग आ रहे हैं, क्योंकि जिसके लोग हैं वो ले आएगा खुद ही। क्या बताना चाहते हो आप लोगों को? परमेश्वर जो है सच्चा है। मैं आज ये कहती हूँ कि कहीं बाबा के या पीर फकीरों के जाने से अच्छा आप प्रभु की आराधना करें। जो यहाँ पे मिल सकता वो कहीं नहीं मिल सकता। हालेलुया।